मॉर्निंग चिल्ड्रन मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम फोर्थ क्लास की गणित की पुस्तक हंसते खेलते का चैप्टर सेकंड कसरत अंकों की में आने वाले सवालों को हल करना सीखेंगे तो देखिए बच्चों सबसे पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए क्या नजर आ रहा है आपको इसमें ऊपर क्या लिखा है पुस्तक भंडार यानी कि ये पुस्तकों की एक दुकान है और क्या नजर आया आपको यहां पर दो बच्चे खड़े हैं है ना इन बच्चों के क्या नाम है पता है पंकज और राखी और ये हैं पंकज और राखी के पापा ये जो दुकान दिख रही है आपको ये पंकज के पापा की दुकान है और पंकज और राखी यहां पर पैन लेने आए हैं और ये अपने पिताजी से कहते हैं पिताजी हमें पैन चाहिए अब उसके पिताजी कहते हैं वहां सामने रखे हैं ले लो तो यहाँ पर देखिए क्या क्या नजर आ रहा है आपको दुकान में कितनी सारी किताबें हैं है ना और पैन भी है है ना ये देखो पैन के बड़े बड़े डिब्बे रखे हैं और अब आगे यहां पर देखिए अब राखी कहती है पिताजी आपके पास तो बहुत सारे पैन हैं ये कितने हैं अब उसके पिताजी कहते हैं कि खुद ही गिनकर देख लो तो अब देखिए राखी और पंकज ने तीन खाने बना लिए ये देखो यहां पर तीन खाने बना रखे हैं इस पहले खाने में इन्होंने क्या लिखा है दस पैकेट का एक डिब्बा और यहां दूसरे खाने में लिखा है दस पैनों का एक पैकेट और तीसरे खाने में लिखा है इन्होंने पैन और यहां पर देखिए ये जो डिब्बा है बच्चों इस एक डिब्बे में दस पैकेट है पैनों के दस पैकेट ये देखो दिखाई दे रहे हैं ना आपको यहां पर गिन भी सकते हैं देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन है ना टेन यानी कि दस दस पैकेट हो गए और उसका एक डिब्बा है और यहां पर देखिए इन एक पैकेट में ये इसी तरह का पैकेट है ना ये देखो इस एक पैकेट में दस पैन है ठीक है अब देखो इसने कहा है ये राखी कह रही है कि एक डिब्बे में दस पैकेट हैं और एक पैकेट में दस पैन हैं अर्थात एक डिब्बे में सो पैन तो आपको पता चला बच्चों सो पैन किस तरह से हुए देखो यहां पर एक पैकेट में कितने हैं दस पैन हैं और डिब्बे कितने हैं एक डिब्बा है और उसमें पैकेट कितने हैं एक डिब्बे में दस पैकेट हैं, है ना और एक पैकेट में पैन कितने हैं? दस पैन है तो दस सो. तो कितने पैन हो गए टोटल? सो पैन हो गए अब पंकज कहता है आओ इन्हें गिने अब ये गिनने के लिए कहता है यहां पर देखो इस डिब्बे में सो पैन हो गए समझ में आ गया ना और प्लस दस पैन जो है वो एक पैकेट में इसमें है और एक ये अलग से पैन है तो कितने हो गए सो पैन जमा दस पैन जमा एक पैन कितने हो गए सो और दस एक सौ दस और एक एक सौ ग्यारह एक सौ ग्यारह पैन हो गए हैं यहां पर आया समझ में देखो मैं दोबारा से एक बार बताती हूं ये देखो ये एक डिब्बा जो है वो दस पैकेट का है और हर पैकेट में दस पैन है तो टोटल कितने पैन हो गए सो पैन सो पैन तो ये हैं और दस पैन ये हैं सो और दस एक सौ दस और एक पैन ये कितने हो गए एक सौ ग्यारह पैन हो गए अब आगे देखिए राखी और पंकज ने सभी डिब्बे पैकेट व खुले पैन इस प्रकार रखे ये देखिए इस तरह से इन्होंने रखे हैं कैसे यहां पर देखो ये तो डिब्बे हैं और ये है पैकेट और ये है कुछ खुले पैन तो अब सबसे पहले यहां पर देखो इसमें दे रखा है पैनों के डिब्बे कितने डिब्बे हैं पैन के अब इसको काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कितने हो गए नाइन डिब्बे यानी कि नौ डिब्बे तो पेन के नौ तो ये डिब्बे हैं और पैकेट कितने होंगे इसके अंदर बताओ एक डिब्बे में दस पैकेट है ना तो नौ डिब्बों में कितने पैकेट हो जाएंगे दस इसमें दस इसमें इस तरह से हमें काउंट करना है हम अगर हम इस तरह से काउंट करेंगे दस बीस तीस और दस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है बच्चों ठीक है इसलिए हमें शॉर्टकट अपनाते हैं कैसे कि डिब्बे हैं हमारे पास नो ठीक है और हर डिब्बे में पैकेट है दस दस तो नो तो डिब्बे हैं और हर डिब्बे में दस पैकेट है तो इनको हम गुना कर देंगे देखो कितने हो जाएंगे ये दस नेम नब्बे नब्बे पैकेट हो जाएंगे तो यहां पर पैकेट आएंगे नब्बे तो पैन अब कहा है इसने तो पैन कितने होंगे अब ये देखो बच्चों कि हर डिब्बे में एक डिब्बा है हर डिब्बे में बताओ कितने कितने पैन थे मैंने ऊपर भी आपको समझाया था एक डिब्बे में दस पैकेट हैं और हर पैकेट में दस पेन है तो दस दहाई सो तो हर डिब्बे में सो सो पेन है तो देखो कितने हो जाएंगे सो ये दो सो तीन सो चार सो पांच सौ सो सात सो आठ सो, सो नौ सो और इसको और भी इजीली कैसे कर सकते हैं हम पता है हर डिब्बे में सो सो पैन है और एक ये डिब्बे कितने हैं डिब्बे हैं नाइन तो कितने हो जाएंगे सो गुणा नो कितना हो गया नो सो, तो पैन कितने हो जाएंगे नो सो पैन है अब आगे यहां पर देखो ये पैकेट पैनों के पैकेट अब पैकेट बताना है कितने पैकेट हैं? अब इनको काउंट करो हम्म एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नो कितने हो गए नो यानी कि नाइन पैनों की पैकेट कितने हैं नो पैकेट हैं। हम यहां पर लिखेंगे नो तो पेन कितने हैं तो बताओ बच्चों पेन कितने होंगे हर पैकेट में कितने पेन है पहले तो मुझे ये बताओ हम दस दस है ना दस इसमें दस इसमें दस इसमें तो क्या करेंगे हम दस दस पैन है और पैकेट कितने हैं नो तो दस नेम नब्बे कितने पैन हो जाएंगे नब्बे पैन होंगे अब ये देखो अब है आगे पैन ये खुले पैन है पैन है देखो कितने काउंट करो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ कितने पैन है नो no. तो पैनों की संख्या है नो no. ये अलग से खुले पैन है क्योंकि ये डिब्बे में नहीं आ सकते तो मुझे बताओ बच्चों ये पैन डिब्बे में क्यों नहीं डाल सकते पैकेट में यानी कि क्यों नहीं डाल सकते क्योंकि एक पैकेट में दस पैन आते हैं दस पैन का एक पैकेट बनता है और ये पैन है नो no. एक पैन कम है इसलिए ये खुले पैन रखे हुए हैं अब इसने कहा है कुल पैन डैश है कुल पैन कितने हैं तो बताइए कितने होंगे कुल पेन देखो 900 तो ये है 900 तो पेन है और 90 पेन ये हैं कितने हो गए 900 और 90 कितने हो गए 900 90 और 9 ये है तो इन सब को हम जोड़ देंगे बच्चों 900 प्लस नब्बे प्लस नौ अब जोड़ के मुझे बताओ कितने हुए नौ सौ निन्यानवे है ना नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन नौ सौ निन्यानवे पैन है अब देखो आगे ये राखी कह रही है राखी के पापा कहते हैं पहले राखी यह एक पैन और है इसे भी ले लो ये देखो राखी के पापा ने एक पैन ले रखा है और ये राखी को दे रहे हैं कि एक पैन और भी है राखी ये ले लो अब राखी कहती है इसे खुले पैनों के साथ रख देते हैं पिताजी यह है तो दस पैन का एक पैकेट बन जाएगा आया बच्चों समझ में ये देखो ये नौ पैन थे और एक पैन और मिल गया रा, आ, राखी के पापा को तो वो कहते हैं इसमें एक पैन और ले लो राखी कहती है कि नौ जो खुले पैन थे उसमें रख देते हैं तो एक और अगर इसमें हम पैन शामिल कर देंगे तो कितने हो जाएंगे दस पैन और दस पैन का एक पैकेट बनता है है ना अब यहाँ पर पंकज कहता है फिर तो इस पैकेट को भी उन पैकेट में ही रखेंगे है ना बच्चों क्योंकि दस पैन का एक पैकेट बन जाएगा तो इस पैकेट को भी हम पैकेट में ही मिला सकते हैं अब राखी कहती है पर पैकेट तो पहले से ही नो है एक पैकेट और मिलने पर दस पैकेट हो जाएंगे राखी क्या कहती है कि पहले से नौ पैकेट है हमारे पास अगर एक पैन और मिला देंगे तो एक पैकेट फालतू तो बन जाएगा तो पैकेट की संख्या कितनी हो जाएगी दस हो जाएगी इस बात पर पंकज कहता है फिर तो यह एक डिब्बा बन जाएगा इसे डिब्बों में रखने पर दस डिब्बे बन जाएंगे क्योंकि ये बच्चों एक डिब्बा बन जाएगा वो नौ पैन है एक और आ जाएगा पैकेट बन जाएगा है ना समझ में आया क्या और दस जो पैकेट है उनका एक डिब्बा बनता है और पैकेट थे इनके पास नो और एक पैकेट जो है वो एक और पैन आ गया तो एक पैकेट एक्स्ट्रा वो बन गया तो दस पैकेट का एक डिब्बा बन जाएगा अब आगे अब इसके पापा कहते हैं राखी के पापा कि दस डिब्बों को मिलाकर एक बड़ा डिब्बा बना लो बताओ बड़े डिब्बे में पैनों की संख्या कितनी है अब देखो बच्चों यहां पर दिया गया राखी कहती है एक डिब्बा बराबर सो पैन हमने क्या था ना एक डिब्बे में सो पैन होंगे तो दस डब्बे दस डिब्बे अगर हैं हमारे पास तो उसमें कितने पैन होंगे ये पता करना है तो हर डिब्बे में सो सो पैन है तो अगर हम दस बार सो 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 काउंट करेंगे तो निकलाएंगे कि दस डिब्बे में कितने पैन होंगे तो यहां देखो क्या लिख रखा है दस डिब्बे बराबर है सो जमा 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 सो, सो. बराबर एक हजार पैन तो ये कैसे आया पता है बच्चों दस डिब्बे हैं और हर डिब्बे में सो सो पैन है तो हम दस को सो से सो या सो को दस से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा एक हजार तो एक हजार पैन आ गए हैं अब यहां देखो अब ये कहता है, अच्छा दस सैकड़े बराबर एक हजार एक हजार बराबर दस सैकड़े एक सैकड़ा बराबर दस दहाई और एक दहाई बराबर दस इकाई इसको हम कैसे समझेंगे देखो एक इकाई बच्चों एक इकाई जो होता है उसका मतलब होता है एक और एक एक इक इकाई करके दस इकाई जो है वो जब मिल जाती है तो बन जाती है एक दहाई और एक दहाई का मतलब होता है दस और इसी तरह से दस दहाई दस दहाई दस दहाई पता है कितना होता है एक सैकड़ा होता है ये बच्चों आपको याद करना है दस दहाई एक सैकड़ा और एक सैकड़ा कितना होता है सो और दस सैकड़ा अब आगे सैकड़ा को समझो। दस सैकड़ा का मतलब होता है एक हजार और इसको कैसे लिखते हैं इस तरह से हम एक हजार लिख तो अब यहां पर देखो दस सैकड़ा बराबर एक हजार है ना दस सैकड़ा तो यही है दस सैकड़े का मतलब एक हजार होता है एक हजार पैन वाले बड़े डिब्बे में सो पैनों वाले कितने डिब्बे हैं ये पूछा गया है अब देखिए एक हजार पैन वाले बड़े डिब्बे में तो 100 पैनों के कितने डब्बे मिलेंगे बताओ इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम्म एक हजार को हम सो से भाग कर सकते हैं तो ये निकला आएगा कितने आएंगे बताओ या फिर हम मुझवानी भी इसको सवाल को हल कर सकते हैं बच्चों ये बहुत इजी सवाल है इसने कहा है कि दो सो पैनों वाले डिब्बे और एक हजार यहां पर अभी अभी हमने देखा एक हजार पैन है और सो पैनों के डिब्बे कितने डिब्बे आए सो पेनों वाले दस डिब्बे आए हैं है ना तो यहां आएंगे आएगा दस अब है सो पैन वाले डिब्बे में दस पेनों वाले कितने पैकेट हैं तो बताओ बच्चों सो पैन वाले डिब्बे हैं दस पेनों वाले कितने पैकेट हैं कितने पैकेट हैं उसमें दस पैकेट हैं दस गुणा दस सो चुना चुना बने थे ना दस पैन वाले एक पैकेट में कितने पैन है एक पैकेट में दस पैन है ठीक है अब यहां देखो ये कहता है पंकज कि क्या तुम पांच सो छियालीस से अगली संख्या बता सकती हो यानी फाइव हंड्रेड फोर्टी सिक्स से अगली संख्या बता सकती हो अब इस बात पर राखी कहती है हां पांच होगी मैंने 546 में एक जोड़ दिया और अगली संख्या आ गई पाँच अब पंकज कहता है ठीक है बताओ 999 से अगली संख्या क्या होगी उस पर अब राखी कहती है इसमें भी हम एक जोड़ लेंगे 999 जमा एक बराबर है एक हजार तो ये एक हज़ार हो जाएगा तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके इसी चैप्टर में आने वाले जो आगे सवाल हैं उनको समझाऊंगी अगर आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय